अभी तक क्या क्या पढ़ लिया ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने कंडीशन चेकिंग पढ़ा इफ एल्स से। कंडीशन चेकिंग में सारे कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, वो पढ़ा। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने एरे पढ़ लिया और एरे के साथ लूप हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब हमें इस पॉइंट पे, वैसे तो हमें एरे के मेथड्स को पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हमने जब स्ट्रिंग पढ़ा था और नंबर हमने जब पढ़ा था, तो स्ट्रिंग और नंबर के भी मेथड्स हमने उस वक्त नहीं देखे थे। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा मौका है तो कि पहले हम स्ट्रिंग के और नंबर के मेथड्स को देख लेते हैं, फिर हम एरे के मेथड को पढ़ लेंगे। अच्छा, आ जाते हैं जी। अच्छा, जो वेरिएबल्स होते हैं ना, पहले तो ये समझ लें मेथड होता क्या है, मेथड है क्या भला। जो वेरिएबल होता है, अब वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक वेरिएबल के साथ अक्सर करनी पड़ती है, अक्सर जो है हमें करनी पड़ती है, तो वो समझ लें एज अ यूटिलिटी उसको उस वेरिएबल में मेथड के तौर पे दे दिया जाता है। अच्छा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, सही है। अच्छा, वो डिपेंडिंग ऑन कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर के साथ क्या किया जाता है आमतौर पर। अच्छा, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने पहला वेरिएबल कौन सा पढ़ा था, नंबर पढ़ा था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पढ़ा था। तो चलो स्ट्रिंग से हम देखते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। अच्छा, JS भी लिख देता हूँ साथ में। अच्छा, और हम आ जाते हैं MDN पे चलते हैं। डिटेल्ड है वो डॉक्यूमेंट MDN का। अच्छा, MDN पे जो मौजूद है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम सारे कवर नहीं कर पाएंगे, इवन दो कि आपके बुक में भी सारे मेथड्स कवर नहीं हुए हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग के मेथड्स जो है ना, देखें ये यहाँ से शुरू हुआ है। स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं वो यहाँ से शुरू हैं, चेंजिंग केस, मेजरिंग स्ट्रिंग लेंथ, फाइंडिंग सेगमेंट, और ये पाँच चैप्टर इसके ऊपर बांधा है इसने, स्ट्रिंग के मेथड के ऊपर ना। तो हम भी चार पाँच इसमें से देख लेते हैं, और इवन दो कि जो यहाँ पर डिस्कस हुआ है वही वाला देख लेते हैं, और भी एक आध एक्स्ट्रा देख लेते हैं। तो इस जो मेथड्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के मेथड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। और मेथड, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कि जो काम स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ अक्सर हमें करना पड़ता है, उसको एज अ मेथड उसमें अवेलेबल कर दिया जाता है, कि आपको वो काम पूरा प्रोसीजर ना करना पड़े, जस्ट आप एक मेथड कॉल करें और वो काम हो जाए। अच्छा, तो डिपेंडिंग ऑन कि स्ट्रिंग के साथ जावास्क्रिप्ट में अक्सर क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, जावास्क्रिप्ट में जो मौजूद मेथड हैं वो थोड़े से अलग होंगे, ठीक है। जावा में या सी शार्प में स्ट्रिंग के साथ क्या परफॉर्म करना पड़ता है हमें अक्सर, डिपेंडिंग ऑन दैट उसमें थोड़े अलग होंगे। अच्छा, लेकिन जो मोस्टली वो सेम ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला इसने ये देखा है, यहाँ पे एक बाब बांधा है कि चेंजिंग केस, ठीक है। तो चेंजिंग केस के लिए ना टू लोअर केस और टू अपर केस करके होता है, तो मैंने कंट्रोल एफ किया, टू लोअर केस। अच्छा, ये साइड में जितने भी आ रहे हैं ना लाइन से, ये सारे इसके मेथड हैं। तो हम शुरू करते हैं ये टू लोअर केस और टू अपर केस से शुरू करते हैं। अब ये टू लोअर केस पे मैंने क्लिक किया, अब ये चलता कैसे है ज़रा देखें इसको गौर से। ये एक कांस्टेंट है स्ट्रिंग, कांस्टेंट वेरिएबल है, और इसके अंदर ये स्ट्रिंग रखा हुआ है, कोई भी बात लिखी हुई है इसमें टेक्स्ट में। अच्छा, इसके अंदर कैपिटल लेटर का भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है और स्मॉल लेटर का भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेंटेंस मुझे मिला है ना, इसको मैं पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर दूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेथड तो मुझे मिला है, तो मेथड में तो मैं ये कॉल, अभी मेथड को छोड़ देते हैं, अभी तक जो हमने बात पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या हम करेंगे, तो इस सेंटेंस के तमाम कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर पाएंगे हम, हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा, नया तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेकिन करेंगे क्या हम, जी नहीं, मेथड तो मैं लगा देंगे, मेथड तो आसानी के लिए दे दिया गया ना, लेकिन मेथड नहीं, अब मेथड के बगैर भी ये काम हो सकता है बाय द वे, ठीक है, हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ हो सकता है, मेथड आसानी के लिए दिया गया, लेकिन वो कैसे होता, कोई आइडिया है किसी को कि अगर ये बगैर इसके करना पड़ता तो कैसे करते हम। अच्छा, मैं बता देता हूँ, चलो
इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे जाके मुझे उसकी वैल्यू चेक करनी पड़ती है ना, उसका या तो चार कोड जो होता है हमारे पास, जो ASCII कोड हमने जिक्र किया था कि अच्छा जी हर कैरेक्टर के पीछे असल में एक नंबर होता है, तो शायद वो मुझे नंबर चेक करना पड़ता कि अच्छा जी अगर ये नंबर जो है वो 97 से छोटा है तो इसका मतलब ये अपर केस है, 97 जो है वो स्मॉल लेटर का जो ए होता है वो 97 होता है ना। ये हमने डिस्कस किया था कि कौन सी क्लास में डिस्कस किया था हमने, जब हम मेमोरी में वेरिएबल कैसे सेव होता है उस वाली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, तो मुझे एक एक कैरेक्टर पे जाके सम हाउ चेक करना पड़ता, अब वो कैसे करना पड़ता वो अभी हम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए वो अच्छा। तो हम क्या करते हैं, अब मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, हम कहते हैं स्ट्रिंग का जो वेरिएबल का नाम डॉट लगा के उस पर ये टू लोअर केस कॉल कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये टू लोअर केस जब मैं इस पर कॉल करूँगा ना, तो ये इतना पार्ट जो है ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये इतना पार्ट क्या करेगा, एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं करेगा ये, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये कोई चेंज नहीं करेगा, एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि कॉन्सोल पे लॉग हो जाएगा, ठीक है। इस वाले वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहूँ तो मैं इस वेरिएबल में भी चेंज ला सकता हूँ, कैसे कि भाई सेंटेंस इक्वल्स टू सेंटेंस डॉट टू लोअर केस, तो ऐसे करके मैं उसको पकड़ लूँगा उसी वेरिएबल में दोबारा, तो पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि इस किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत मुझे कब पड़ेगी, कौन सी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे मुझे कोई भी स्ट्रिंग जब मुझे मिलेगा तो मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट करूँ। अच्छा, ये जिस तरह लोअर केस है इसी तरह अपर केस भी है, ठीक है। टू अपर केस भी यहाँ पे साइड पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा, इसके नीचे ये रहा टू अपर केस, ठीक है। सेम चीज़ है, बस अपोजिट है एक दूसरे का ये, ठीक है। तो टू अपर केस में ही अपर केस में हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी जगहें होंगी जहां पे मुझे पूरे के पूरे स्ट्रिंग को या तो लोअर केस में या तो अपर केस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, जरा सोच के बताओ। नहीं, पासवर्ड में तो स्मॉल और कैपिटल मिक्स होता है ना, पासवर्ड को अगर मुझे मिला सबको स्मॉल कर दिया मैंने फिर तो मसला है, तो कर सकते हैं मे बी कुछ केसेस में, शायद हमें स्ट्रेटेजिक कोई ऐसा हो जिसमें कर सकें, लेकिन मेरा ख्याल है कोई दूसरी एग्जाम्पल बताओ। दो स्ट्रिंग को जब मुझे कंपेयर करना होगा, अगर दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं उसको मुझे कंपेयर करना है कि क्या दोनों बिल्कुल सेम है, तो हो सकता है कि दोनों में कैट लिखा हुआ बट एक में कैपिटल सी से और एक में स्मॉल सी से लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एक जगह हो सकती है जहाँ पे मैं दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करूँगा और फिर कंपेयर करूँगा उसको मैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ सकती है मुझे इसकी। और बताओ, ईमेल, ईमेल में स्मॉल और कैपिटल का चक्कर नहीं होता, सही है। ईमेल आपने कैपिटल में लिखी है या स्मॉल में लिखी है वो एक ही बात है, ठीक है। तो आम तौर पे हम क्या करते हैं, जब भी ईमेल का इनपुट लेते हैं उसको एहतियातन हम लोअर केस में कन्वर्ट करके डेटाबेस में रखवाते हैं, ठीक है। जैसा मिला है वैसा नहीं रखवाते, क्योंकि आम तौर पे ईमेल को प्राइमरी की भी बनाया जाता है कि अच्छा जी, मतलब प्राइमरी की तो मैं एक दूसरी टर्मिनोलॉजी गलत वर्ड यूज़ कर गया, उसको यूनिक बनाया जाता है डेटाबेस में, ठीक है, कि भाई इस ईमेल से एक बंदा साइनअप हो गया, अब दोबारा इस ईमेल से कोई साइनअप नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे करके उसको एक यूनिक रखा जाता है डेटाबेस में कि जी। तो इसमें होगा क्या कि अगर मैंने एज इट इज़ करवा दिया ना, तो अगर कैपिटल एम से मलिक एट द रेट सिस बॉर्क किया किसी ने तो वो अलग हो जाएगा और स्मॉल से अलग हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो कैपिटल स्मॉल अलग अलग होता है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी कोई साइनअप करने आएगा उससे जो इनपुट मिला है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करूँगा और फिर उसको डेटाबेस में रखवाऊँगा, ताकि वो कोई स्मॉल एम लिखे कैपिटल एम लिखे वो डेटाबेस में स्मॉल ही करके जाए, और अगर पहले से हो मलिक एट सिस बॉर्क तो वो सामने से बोल दे कि भाई पहले से मौजूद है। तो ईमेल को मुझे ये करना पड़ता है हमेशा लोअर केस। और कोई यूज़ केस आ रहा है किसी के जहन में तो बता सकता है। अच्छा जी, तो ये एक मेथड है, अक्सर ये काम करना पड़ता है। अच्छा, ये जो मेथड है ना टू अपर केस, ये मेथड तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद है, लेकिन वो इस नाम से नहीं है टू अपर केस, किसी दूसरे नाम से, ठीक है। जावा में ही किसी दूसरे नाम से, तो सी शार्प में भी किसी दूसरे नाम से ही है। तो उस प्रोग्रामिंग के अपने ये डायमेंशन हैं। अच्छा, ये मेथड जो है हम खुद से भी बना के ऐड कर सकते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो किसी भी मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर मैं कोई मेथड बना के ऐड कर दूँ, तो वो मैं खुद से अपनी मर्ज़ी का भी कोई मेथड बना के ऐड कर सकता हूँ जो मेरी ही प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर रहा होगा, बाहर नहीं कर रहा होगा, ठीक है। वो हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे कि वो कैसे बनाते हैं, लेकिन वो बहुत इजी है। अंडरस्कोर वो प्रोटो करके आप करते हैं और वो एक फंक्शन बना, फंक्शन भी हमने पढ़ा नहीं है अभी एक्चुअली, तो वो फंक्शन उसको हम बना के देते हैं कि जी ये नाम जब कॉल किया जाए ना तो पीछे इसके ये फंक्शन होगा।
जी कितने कितने वर्ड समझाने यानी पूरे सेंटेंस में तुम कह रहे हो जैसे ये फॉक्स है तो सिर्फ फॉक्स को ये कैपिटल लेटर है पहला लेटर करवाना है ना तो अभी वो हम आगे एक दो मेथड द्वारा आएंगे उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा स्ट्रिंग के स्ट्रिंग को ना स्लाइस स्प्लाइस वगैरह भी कर सकते हैं कि दो टुकड़े कर दिए तीन टुकड़े कर दिए शुरू का तीन कैरेक्टर उठा लिया लास्ट का तीन उठा लिया तो वो शुरू का तीन कैरेक्टर उठाने का हमारे पास एक मेथड है तो हम शुरू का तीन नहीं बल्कि शुरू का एक कैरेक्टर उठाएंगे हम उसको कैपिटल करके वापसी रखवा देंगे वहाँ पर है तो ये अभी आएगा आगे। अच्छा अब ज़रा देखते हैं कि बुक में ये कौन सा दूसरा इन्होंने डिस्कस किया है ज़रा कोड को मैं इस तरफ कर देता हूँ। अच्छा मेजरिंग लेंथ अच्छा जी तो टू अपर केस टू लोअर केस इन्होंने डिस्कस किया उसके बाद स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लेंथ लगाने से ना हमें क्या मिल जाता है उस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर हैं उसकी काउंटिंग मिल जाती है ना ठीक है तो स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लेंथ काम करता है। इन्होंने हेडिंग में तो लिखा है मेजरिंग लेंथ लेकिन मुझे नीचे नज़र नहीं आ रहा कहीं लेंथ वाला। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें क्या है उसके बाद यहाँ पे एक मेथड है डॉट स्लाइस ये एक वेरिएबल है सिटी टू चेक और डॉट स्लाइस इसने किया है। अब ये स्लाइस को हम ज़रा चल के ना वहाँ देख लेते हैं एम डी एन पे। अच्छा जी कंट्रोल एफ स्लाइस क्या हुआ इसको एस एल आई सी स्लाइस ठीक है जी ये स्लाइस पे मैं आ गया। अब देखो स्लाइस के बारे में लिखा है द स्लाइस मेथड एक्सट्रैक्ट अ सेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट एज अ न्यू स्ट्रिंग विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो इस मेथड में भी यही केस है कि जो भी हम डॉट लगा के कार्रवाई करेंगे वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं करेगा बल्कि एक नया स्ट्रिंग देगा। अच्छा तो क्या करता है ये क्या करता है एक्सट्रैक्ट करता है स्ट्रिंग में से कोई भी सेक्शन कि शुरू के चार वर्ड उठा लो अच्छा दरमियान के तीन छोड़ के चौथा से पाँचवा छठा तीन छोड़ के तीन उठा लो इस तरह करके जो भी ना कहीं भी स्ट्रिंग के दरमियान से मुझे एक पार्ट कट करके निकालना है या पार्ट को कॉपी करना है काइंड ऑफ तो वो ये कर सकता है। अच्छा तो अब ये ना द क्विक ब्राउन फॉक्स ऐसे करके पूरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है एस टी आर के वेरिएबल में। अब इसने बोला है कि एस टी आर डॉट स्लाइस 31 तो ये क्या करेगा यहां से काउंटिंग करेगा इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 31 से उठाएगा और कॉमा डाल के मैंने ये नहीं बोला कि कहां तक तो वो पूरा आखिर तक लाएगा फिर। अच्छा अगले में इसने देखो एक दूसरी एग्जांपल बताई है कि भाई 4 से उठा के 19 तक लाओ तो ये इसने 4 से उठाया देखो चौथा कैरेक्टर ये स्पेस भी कैरेक्टर होता है सही है ना तो ये टी एच ई दा तीन हो गया चौथा स्पेस हो गया जो पांचवा कैरेक्टर जो था क्योंकि वो जीरो बेस है तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो अभी नीचे वो लिखा हुआ भी आ जाएगा तो 4 इंडेक्स से लेके 19 इंडेक्स तक ये देखो ये उठा के लेकर आ गया ठीक है। अच्छा इसी तरह ये माइनस में भी दे सकते हैं और माइनस में दोनों दे सकते हैं माइनस का मतलब है कि वो लास्ट से गिनेगा ठीक है सम क्योंकि शुरू से तो मुझे पता है ना पांचवा कैरेक्टर ये अब मुझे लास्ट से पांचवा उठाना है तो अब स्ट्रिंग पता नहीं 200 कैरेक्टर का या 500 कैरेक्टर है तो लास्ट से मैं बोलूंगा लास्ट से गिनो पांच तो वो माइनस में करके मुझे देना होगा ठीक है। इसका सिंटैक्स यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है अगर एक पैरामीटर देंगे इसको तो स्टार्ट का इंडेक्स होगा ये ठीक है और दो देंगे तो स्टार्ट का इंडेक्स होगा एंड का इंडेक्स होगा। अच्छा अब ये स्टार्ट और एंड के बारे में यहाँ पे कुछ बात लिखी है इसको गौर से समझना बहुत ज़रूरी है। द इंडेक्स ऑफ द स्टार्ट कैरेक्टर टू इंक्लूड इन द रिटर्न सब स्ट्रिंग ये वाला जो इंडेक्स होगा ना मिसाल के तौर पे आपने कहा ना कि 3 इंडेक्स नंबर 3 से उठाओ तो इंडेक्स नंबर 3 को ये 0 1 2 3 यानी चौथा कैरेक्टर जो होगा इंडेक्स उसका 3 होगा उसको ये शामिल करेगा रिटर्न वाले स्ट्रिंग में। यहाँ पे आप इसको गौर से अगर देखें ना तो इसने कहा है कि 4 तो आप देखें 0 1 2 3 और 4 4 क्यू था तो 4 को देखो इसने शामिल किया है रिटर्न वाले में है ना क्यों मतलब रिटर्न का मतलब हम सब जानते हैं कि इतना पार्ट जो है ये गायब हो जाएगा खुद और इसकी जगह पे स्ट्रिंग आ जाएगा वो उतना पार्ट कॉपी कर देगा जो मैंने बताया तो ये स्टार्ट वाले को इसने इंक्लूड रखा है। अच्छा एंड वाले के साथ अब क्या करेगा ये द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर टू एक्सक्लूड फ्रॉम द रिटर्न सब स्ट्रिंग इसका मतलब ये है कि एंड में जो इंडेक्स दूंगा ना मैं उसको ये शामिल नहीं करेगा। नोट से यहाँ पे गौर से देखो नोट करो 19 जो इंडेक्स था ना वो क्या था 19वां इंडेक्स था ये स्पेस अगर आप गिनोगे तो ये स्पेस है
और ये जो x है ना ये 18 नंबर इंडेक्स है, 0, 1, 2, 3 से 18 इंडेक्स जो वो x है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 19, लेकिन रिटर्न इसने क्या किया है 18 तक किया है। तो ये वाली जो बात मैं लिख रहा हूँ ना, इन्होंने क्या बात लिखी है कि द फर्स्ट कैरेक्टर टू एक्सक्लूड, कि कौन सा कैरेक्टर नहीं लाना है, उससे एक पहले तक लेकर आता है ये। तो इसको समझने में काफ़ी दुश्वारी होती है लोगों को, लेकिन ये इसने बहुत क्लियर कट बात लिखी है, बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, इससे ज़्यादा सिंपल और हो नहीं सकता था ये, ठीक है जी। अब रिटर्न वैल्यू क्या होगी इसकी, अ न्यू स्ट्रिंग कंटेनिंग द एक्सट्रैक्टेड सेक्शन, ये एक न्यू स्ट्रिंग होगा, ठीक है। न्यू, अभी हम न्यू की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन न्यू का मतलब हमेशा ये होता है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो एक नया इंस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये स्लाइस हमने देख लिया, ठीक है। तो वो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया कि वो शुरू का मुझे एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर अगर उठाना है तो मैं उसको उठाऊंगा, एक नए वेरिएबल में डालूंगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट करूंगा और फिर वापस उस जगह पे लगा दूंगा। अच्छा, लेकिन वापस उस जगह पे लगाऊंगा कैसे, है ना? अभी तक तो कोई ऐसा मेथड हमने नहीं पढ़ा, अभी तो सिर्फ कॉपी करके, क्योंकि कॉपी करके जो निकाला है उससे ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं आया। तो अब मैं क्या करूंगा कि शुरू का एक कैरेक्टर डिलीट कैसे करूंगा, मैं डिलीट कर, कॉन्कैट तो करना आता है हमें, है ना, कि जो अपर केस वाला एक एक कैरेक्टर है उसको मैं कॉन्कैट कर दूंगा, लेकिन वो उसमें से डिलीट भी तो करना है, कॉन्कैट करने से पहले डिलीट करना है अगर मुझे पहला कैरेक्टर कैपिटल करना है, ठीक है। तो वो अभी आगे आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, वो पता नहीं कहीं आगे इन्होंने बताया हुआ है, वो है स्प्लाइस बारल। SPLIC क्यों नहीं आ रहा है इसमें? स्प्लाइस नहीं आ रहा भाई, क्या सीन है ये? एस में चल के देख लेते हैं, QRS, SSSSS, स्प्लिट, लो भाई स्प्लाइस नहीं दिया हुआ है, अलग से देख लेते हैं हम, ये आ गया। ओ एक्चुअली वो स्प्लाइस जो है वो स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं होता, वो सिर्फ एरे में होता है, इसलिए नहीं दिया हुआ यहाँ पे उन्होंने सही है, इसलिए नहीं दिया हुआ। अच्छा वेल, वो कोई इसमें दूसरा मेथड है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, अभी हम बुक को फॉलो करते हैं, वो आ जाएगा आगे कहीं। अच्छा, चेंजिंग केस हो गया जी, हमारा फाइंडिंग सेगमेंट हो गया जी। अच्छा हाँ, फाइंडिंग सेगमेंट अभी अगला बता रहा है ना। अच्छा जी, वेल एक तरीका शायद और भी है, एक तरीका और भी है इस काम को करने का। वो तरीका ये हो सकता है कि मैं पहला कैरेक्टर उठा के एक तो उसको कर लूँ कैपिटल, है ना, बाकी जो उधर बच गया, अब मैं उसमें से क्या करूँ कि मैं बोलूँ पहला कैरेक्टर छोड़ के दूसरे से लेके, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 से लेके और लास्ट वाला उसको ना बताऊँ तो पूरा आखिर तक फिर उठा लेता है वो, तो इसको एक दूसरे वेरिएबल में लगा लूँ और फिर इन दोनों को कॉन्कैट कर दूँ, है ना। तो ये भी तरीका हो सकता है, डिलीट करने की ज़रूरत इस केस, इस तरह अगर करेंगे हम इस अप्रोच से तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छा, एक इंडेक्स ऑफ करके एक चीज़ है जो सर्च से रिलेटेड अभी आ गई है चीज़, कि जी आपको ना अगर कोई बड़ा सारा स्ट्रिंग है उसके अंदर आपने सर्च करना है कि अच्छा जी ये वाला जो बात है वो इसमें मौजूद है या नहीं है, तो उसके लिए इंडेक्स ऑफ करके एक मेथड है। तो आते हैं जी हम यहाँ पे, एक इंडेक्स ऑफ करके, एक लास्ट इंडेक्स ऑफ करके, इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि जी द इंडेक्स ऑफ मेथड गिव वन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट लेता है ये, अ सब स्ट्रिंग टू सर्च फॉर सर्चेज एंटायर कॉलिंग स्ट्रिंग एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्यरेंस स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग गिवन द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। अब ये काफ़ी लंबी इसने बात की है। अच्छा, तो कुल मिला के बात ये है कि जी ये दो पैरामीटर लेता है इंडेक्स ऑफ, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग का वेरिएबल होगा उस पर डॉट लगाऊंगा और मैं लिखूंगा इंडेक्स ऑफ। अच्छा, इसको मैं दूंगा सर्च के लिए स्ट्रिंग, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर फॉक्स क्या इसमें आता है या नहीं आता है, ये मुझे एक बात पता करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको जब कॉल करूँगा तो मैं कहूँगा कि str.indexOf और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिटरल में लिखूँगा फॉक्स,
ठीक है, स्मॉल में अगर लिखूंगा तो वो स्मॉल को तलाश करेगा, कैपिटल में लिखूंगा तो कैपिटल को तलाश करेगा। अच्छा, और ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा? ये मुझे रिटर्न कर देगा उसकी फर्स्ट अकेरेंस जहाँ पे भी आती है। मिसाल के तौर पे वो ढूंढते ढूंढते गया, 19 नंबर कैरेक्टर पे उसको वो फॉक्स मिल गया, तो वो मुझे 19 इंडेक्स लाके उसका दे देगा और वो रुक जाएगा वहाँ, वो आगे सर्च नहीं करेगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरे उस टेक्स्ट के अंदर फॉक्स जो है वो 3-4 जगह पे था। अब मुझे पहला वाला तो मुझे मिल गया, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि अब इसके और आगे कहाँ पे आता है। तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मैं उसको फिर दो पैरामीटर दूंगा, मैं एक तो दूंगा फॉक्स और दूसरा उसको मैं एक पोजिशन दूंगा कि जी 19 नंबर कैरेक्टर पे तो मुझे एक मिल गया है फॉक्स, तो आपने 19 के बाद से शुरू करना है, 19 के बाद आपने तलाश करना है। ठीक है, तो दो पैरामीटर, अदरवाइज अगर मैं इसको पोजिशन नहीं देता हूँ ना तो जीरो से शुरू करेगा ढूंढना ही उसको। यहाँ पे इस पैरामीटर के बारे में लिखा हुआ भी है कि सब स्ट्रिंग टू सर्च ऑल वैल्यूज आर, इसको स्ट्रिंग होना चाहिए, मतलब ओमिटिंग और पासिंग द अनडिफाइंड अनडिफाइंड दिस 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 कॉज इंडेक्स ऑफ सर्चिंग फॉर अनडिफाइंड। कह रहा है कि अगर आप अनडिफाइंड इसको देंगे ना तो ये इसको अनडिफाइंड को भी स्ट्रिंग समझेगा वो, ठीक है, स्ट्रिंग के तौर पे उसको ट्रीट करेगा, वो अनडिफाइंड मतलब पैराग्राफ में ढूंढने लग जाएगा। अच्छा, पोजिशन के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि द मेथड टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग एट अ पोजिशन ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट पोजिशन। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर दिखा ना 19, तो वो 19 को या 19 से आगे वाले को सर्च करेगा, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस पोजिशन जब होगा ना उसके आगे से सर्च करेगा वो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 19 नंबर कैरेक्टर के ऊपर फॉक्स मिल चुका है तो मैं यहाँ पे फिर 19 नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे फिर दूंगा 20, क्योंकि 19 को भी ये शामिल कर लेगा वरना। ठीक है जी, अब यहाँ पे उसको मजीद इन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि भाई अच्छा फॉर द गिवन सर्कमस्टांसेस अगर ये है आपका स्ट्रिंग और इंडेक्स ऑफ आपने लिखा है कि ओ, ठीक है, अच्छा माइनस में भी दे सकते हैं, ये माइनस में देने का मतलब है कि वो अपोजिट साइड से काउंटिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव में इसने दिया 12 के वर्ल्ड को तलाश करो 12वें कैरेक्टर के बाद, ठीक है जी, तो 12वें कैरेक्टर पे तो नहीं है वर्ल्ड, मेरे ख्याल है कि 5वें 6वें पे ये वर्ल्ड आ जाता है, 12वें के बाद तो इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, ख़त्म हो जाता है ये। तो इस केस में क्या करेगा ये, मुझे क्या रिटर्न करेगा, -1। ठीक है, अगर मैंने कोई ऐसी बात लिख दी है जो मिसाल के तौर पर फॉक्स लिखा था मैंने तो फॉक्स का इंडेक्स लाया था, अगर कोई ऐसी बात मैंने लिख दी है जो उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे -1 देता है ये। ठीक है, अच्छा जीरो देना चाहिए था वैसे तो, लेकिन जीरो इसलिए नहीं देता क्योंकि हो सकता है जीरो भी इंडेक्स है ना, जीरो तो एक इंडेक्स है, तो वो जीरो देगा तो ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा जीरो इंडेक्स पे वो चीज़ मिल गई है या नहीं मिली है। तो नहीं मिली के लिए उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, अगेन ये जो स्ट्रिंग का मेथड है ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता तो ज़रूर है लेकिन डिफरेंट होता है। ठीक है, ये वाला मेथड मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही देखा है, और जो -1 वाली एक अप्रोच है ये भी जावास्क्रिप्ट में मैंने देखी है, किसी और लैंग्वेज में मैंने ये -1 वाली अप्रोच नहीं देखी। अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया जी कि हम इंडेक्स ऑफ करके उसका इंडेक्स पता लगा सकते हैं कि जी कौन सा वाला इंडेक्स है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, पैराग्राफ है एक जो लंबा सारा टेक्स्ट है, इसके अंदर एक सर्च टर्म के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है और इसने क्या बोला कि पैराग्राफ डॉट इंडेक्स ऑफ डॉग। ठीक है, लिटरल लिख सकते हैं आप, इस वेरिएबल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, स्ट्रिंग इसको देना है आपने बहरहाल। अच्छा, तो इंडेक्स, अब यहाँ पे ना जो भी यहाँ से एक नंबर, क्योंकि इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है, एक नंबर, अगर तो वो सर्च कर आइटम मिल गया तो उसका इंडेक्स, अदरवाइज -1 होगा, एक नंबर ही। लेकिन तो जो भी यहाँ से चीज़ रिटर्न होगी वो इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी। अच्छा, बाद में इसने कंसोल क्या किया कि द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट डॉग फ्रॉम द बिगिनिंग इज दिस, जो भी बात यहाँ आई थी उसको अच्छे से ना प्रिंट कर दिया उसको। ठीक है, 40 ये कह रहा है कि प्रिंट होगा यहाँ पे, सही है, 40 कैरेक्टर पे इसको ये मिला है, डॉग मिला है इसको। ठीक है, अच्छा सेकंड अकरेंस जो है ना, अब इसने जो निकाला है, देखो सेकंड अकरेंस में ना ये पूरा का पूरा मेथड दोबारा इसने कॉल किया है। ठीक है, और फर्स्ट इंडेक्स के साथ +1 करके इसको दिया है सेकंड पैरामीटर, जो फर्स्ट इंडेक्स जो भी मिला था ना 40 मिला था, तो अब यहाँ पे 41 इसने पास किया है कि अच्छा जी 40 तक तो मिल गया, 41 से अब तलाश करो कि आगे कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको लूप चला के मोस्ट प्रोबेबली मैं कॉल करूँगा अगर मैं चाहता हूँ ना कि सारे, क्योंकि वैसे तो कंट्रोल एफ किसी भी सॉफ्टवेयर में तो सारे अकरेंस पकड़ लेता है वो, तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में कोई इस तरह की ऐप बनानी होगी जहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल एफ वाली फंक्शनैलिटी मुझे देनी होगी, तो मैं इसको शायद लूप चला के कॉल करूँगा मैं
और कब तक चलाऊंगा, जब तक माइनस वन नहीं, कंडीशन जो होगी लूप की वो जब तक माइनस वन नहीं हो जाता जब तक की होगी, है ना। तो लूप चला के मैं कॉल करूंगा और एक पूरा एरे बना के तैयार कर लूंगा कि अच्छा जी ये इस इंडेक्स के ऊपर आता है, और फिर शायद उस इंडेक्स पे जाके CSS लगा दूंगा कि उसको येलो कर दो, बैकग्राउंड कलर उतने का, है ना। यही होता है आमतौर पर। तो ये समझते जा रहे हो कि इस वाले की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी, ठीक है, इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी कि जहाँ पर भी आपको कोई सर्च करना है, कोई एक स्ट्रिंग डेटाबेस से आ रहा है मेरे पास उसके अंदर सर्च करना है, या यूज़र ने इनपुट दिया है उसमें सर्च करना है। आमतौर पे जो ऑफेंसिव कैरेक्टर्स होते हैं, ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं, उसके लिए बड़ा यूज़फुल रहता है ये, ठीक है, कि जी हमारे पास कुछ गिनती के ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने लिखना अलाउ नहीं किया हुआ, ठीक है। जैसे फाइवर पे अगर आप मैसेज पे किसी से बात कर रहे हैं, अपवर्क पे या फाइवर पे, तो आप ईमेल का जैसे ही वर्ड लिखेंगे ना, वो नीचे एक लाइन आ जाती है एरर की, वार्निंग की एक लाइन आ जाती है कि जी आप अपना ईमेल शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फ़ोन नंबर लिखेंगे या सिर्फ नंबर लिखेंगे तो भी वार्निंग आ जाती है वो। तो उन्होंने सर्टेन वर्ड्स के ऊपर, तो उन्होंने काइंड ऑफ शायद यही लगाया हुआ है इंडेक्स ऑफ, कि जी इंडेक्स ऑफ ईमेल अगर एक जगह भी कहीं पे मिल जाए तो वो वार्निंग नीचे शो कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। अभी क्या इसने बताया, लास्ट इंडेक्स ऑफ और फर्स्ट इंडेक्स ऑफ इसी मेथड के वेरियंट्स हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, वो लास्ट से ढूंढना शुरू करता है और जो लास्ट में मिल गया पहला उसको लेकर आ जाता है। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ जो उसका, वो नाम से ही पता चल रहा है क्या है। अच्छा, फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट लोकेशन। अब ये तो मुझे बात ये पता चल गई कि जी मेरे पास एक वर्ड है ईमेल, कि जी बंदे ने एक अभी अभी मैसेज लिखा है और वो मैसेज मैं उठा के भेजने वाला हूँ डेटाबेस के अंदर। तो मैं डेटाबेस में भेजने से पहले उस पर चेक करता हूँ कि अच्छा जी इंडेक्स ऑफ ईमेल अगर माइनस वन से बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब मैसेज में ईमेल लिखा हुआ है, किसी ने ईमेल की बात लिखी हुई है, तो मैं वार्निंग दिखाता हूँ। अच्छा, अब एक दूसरा सिनेरियो है मेरे पास। अब मेरे पास जो है वो एक इंडेक्स है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इंडेक्स पर कैरेक्टर कौन सा है या इस इंडेक्स पर वर्ड कौन सा लिखा हुआ है ना। पहले तो मेरे पास वर्ड था, उससे मैंने इंडेक्स निकाल लिया, इंडेक्स से वर्ड यानी अपोजिट है उसका, ये वो मुझे काम अगर मुझे करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या है मौजूद है, कैरेक्ट चार ऐट, ठीक है, चार ऐट करके ये मैं मेथड लगाऊंगा तो इससे मुझे निकल के आ जाता है। जी चार ऐट पे आ जाते हैं, इधर हम कंट्रोल एफ, कौन सा कंट्रोल एफ खोल देता है ये, ठीक है जी, चार ऐट। द चार ऐट मेथड ऑफ अ स्ट्रिंग इंस्टेंस रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल UTF-16 कोड यूनिट लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड ऑफसेट इनटू द स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, ये UTF-16 का इसने स्पेसिफिकली जिक्र किया है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर UTF-16 ही सपोर्टेड है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग में किसी ने इनपुट दिया है, मेरा कोई चैट की एप्लीकेशन है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें मैंने यूज़र से इनपुट लिया है और उसने बंदे ने कोई नॉन UTF कैरेक्टर इनपुट दे दिया है अगर, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैंने ट्राई करके नहीं देखा। एक तो पॉसिबिलिटी होगी कि वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो के दूसरी साइड से घूम के आ जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो उसको बॉक्स बॉक्स बना के दिखा देगा। जैसे याद होगा जब चाइनीज़ फ़ोन नए नए आए थे तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारे कैरेक्टर वो स्क्वायर स्क्वायर बने हुए आ जाते थे, तो उन्होंने पता नहीं बिल्कुल UTF-8 लगा दिया था शायद, तो उसमें सिर्फ ABCD चलती थी, बाकी किसी भी दूसरी लैंग्वेज उर्दू उर्दू उसको समझ नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि UTF-8 के अंदर उर्दू मौजूद नहीं है, ठीक है। UTF-16 में है उर्दू, UTF-8 में उर्दू नहीं है। तो UTF-8 का मतलब क्या है कि वो एक कैरेक्टर 8 बिट लेगा, तो 8 बिट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 256, ठीक है ना। तो 256 कैरेक्टर में उर्दू कहाँ से आए, उसमें इंग्लिश ही पूरी नहीं आती सही से, तो वो UTF-8 मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने लगा दिया होगा उस फ़ोन के अंदर कि जी ये सपोर्टेड है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास UTF-16 है। UTF-16 का मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर जो होगा वो 16 बिट लेगा, ठीक है। 16 बिट का मतलब क्या है कि 0 से लेके 65535 तक, ठीक है। तो एक अंदाजन UTF-16 के अंदर 65000 तक के कोई कैरेक्टर्स हैं, तो 65000 एक बड़ा नंबर है। इसमें मेरा ख्याल है कि
10-12 लैंग्वेजेस तो फिट हो सकती हैं जो मोस्ट कॉमन है, यानी उसके हुर्फ तहजी जो है 10-12 लैंग्वेजेस के, और पंक्चुएशंस वगैरह जो हैं, तो एक एक लैंग्वेज के मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 होंगे, 400 होंगे बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं होते ना। तो वो UTF-16 में, फिर इमोजीज भी इसमें हैं मौजूद, UTF-16 में इमोजी वगैरह भी है, और UTF-16 में भी जगह है काफ़ी कि जो भी मतलब एक तो यूनिकोड चल रहा है, बड़ा सेट है वो, पूरी दुनिया में सब कुछ जो जो हो रहा है वो सब उसमें है, लेकिन UTF-16 में उन सब चीज़ों को शामिल नहीं किया है। UTF-16 में अभी भी जगह मौजूद है जो इस स्टैंडर्ड के अंदर, कि भाई अब इन फ्यूचर कोई नया इमोजी आएगा तो वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह कोई नया कोई लैंग्वेज नहीं हो गई, जैसे अफ्रीका का कोई गांव था भाई, उन्होंने अपनी लैंग्वेज रजिस्टर करवा ली और वो मतलब निकल के वो नई लैंग्वेज आ गई है ना, या मतलब USA के अंदर ही कोई एक, अभी अमेरिकन और ब्रिटिश अलग अलग है तो वो कोई नई लैंग्वेज उन्होंने बना ली अगर आपस में, ठीक है, कोई ऐसा यूनिवर्सल लैंग्वेज बना ली जो पूरी दुनिया में सेम हो, तो वो उन चीज़ों के लिए जगह उन्होंने रखी हुई है अभी भी। UTF-16 पूरा फुल नहीं हुआ अभी। वेल तो ये चार ऐड का सीन आ गया जी, बहुत ही सिंपल है, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग का और यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास 4। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 0, 1, 2, 3 और 4 के ऊपर यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सेंटेंस डॉट चार एट और 4 लिख दूँगा, तो ये इतना जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये खुद गायब हो जाएगा और इसकी जगह पर वो जो है वो आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा एक एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा, ठीक है, 2, 3, 4 नहीं करेगा, ये एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जी तमाम को मैं गेट करूं, तो आप एक एक करके इंडेक्स बढ़ाते जाएं और पूरा का पूरा गेट होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाना है और लूप चला के एक एक इंडेक्स को आपने एक्सेस करना है, तो ये अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये सेम एरे वाला काम हो रहा है। एरे में क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखते हैं तो पहला इंडेक्स, 1 लिखते हैं तो इसमें वही हो रहा है एक्चुअली। तो अगर मुझे स्ट्रिंग के ऊपर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर लूप चलाना है तो मैं इसके ज़रिए चला सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसका पर्पस क्या होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर मुझे स्ट्रिंग पे गो थ्रू करना है तो उसका पर्पस क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर स्ट्रिंग के अंदर देखना चाह रहा हूँ कि कहीं पर 2 स्पेस एक साथ आते हैं तो उसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले कैरेक्टर को अगले से मैच करूँगा, दोनों अगर स्पेस है तो मैं उसको उड़ा दूँगा। अब उड़ाऊँगा कैसे, वो भी मेथड अभी हमने देख लिया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर ना अगर मुझे कड़ी किस्म की सख्त किस्म की इंस्पेक्शन करनी है अगर, और एक एक कैरेक्टर के ऊपर जाके मेक श्योर करना है कि अच्छा जी इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, जो भी मेरा क्राइटेरिया है कि जी मैं लोअर केस और अपर केस हो सकता है ना, समटाइम मैंने पासवर्ड किसी से इनपुट लिया तो मैंने कहा जी लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर हो सकता है, इसमें नंबर नहीं हो सकता, तो मैं उसको एक एक इंडेक्स पे जा जा के चेक कर लूँगा, है ना, कि जी ये कौन सा इसके ऊपर रखा हुआ है इसने। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं उसको मना कर दूँगा। तो इस तरह की सिचुएशन में ये ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है। अगेन ये काम जो है, मेथड इसका क्यों बना के दिया गया, क्योंकि ये काम करने की अक्सर ज़रूरत पड़ती है जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट वालों ने ये मेथड बना दिया, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम मेथड से ही करें, ये काम मेथड के बगैर भी हो सकता है, लेकिन वो हार्ड वे है, सही है। तो इसलिए मेथड है तो मेथड की बात करते हैं। ये मेथड जो है वो हाई लेवल अप्रोच है, हाई लेवल अप्रोच है, एब्स्ट्रैक्शन है। अगर ये मेथड के बगैर मैं करूँगा तो वो थोड़ा फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, लो लेवल होता है। तो मेथड से एक्चुअली क्या किया हुआ है इन्होंने, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड किया हुआ है कि अंडर द हुड ये काम कैसे हो रहा है वो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टिल ये काम बगैर मेथड के भी हो सकता है। हाँ, ये केस सेंसिटिव है। चार एट का जो ए है ना, एट का जो ए है वो कैपिटल होगा, ठीक है जी। अच्छा, रिप्लेसिंग कैरेक्टर्स, रिप्लेसिंग कैरेक्टर के लिए ना टेक्स्ट डॉट रिप्लेस करके, अच्छा जी, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, बिल्कुल जाना पहचाना नाम है ये, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं सब में ये होता है रिप्लेस वाला ऑप्शन, कोड एडिटर में भी सब में ये होता है। कंट्रोल एफ करते हैं जब आप, जैसे VS कोड में अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल एफ करता हूँ जब,
तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मेरे पास एक सिर्फ सर्च है और एक सर्च एंड रिप्लेस है, तो दोनों ऑप्शन मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है, अभी हम इसको जल्दी से निपटाते हैं। एक पैराग्राफ है यहाँ पे जिसमें कोई लंबा सारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने कहा भाई जी पैराग्राफ डॉट रिप्लेस, डॉग को रिप्लेस कर देना है आपने मंकी से, तो डॉग हट जाएगा मंकी आ जाएगा, ठीक है। एक रिप्लेस है और एक रिप्लेस ऑल है, तो दोनों मौजूद हैं। अच्छा, जो यहाँ पे रिप्लेस के लिए जो यहाँ पे डॉग लिखा हुआ है ना कि जी डॉग को जाकर रिप्लेस करो, इस डॉग की जगह मैं रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, एक पैटर्न होता है। अच्छा, ये इसका जावास्क्रिप्ट से ताल्लुक नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, पैटर्न होता है ये, तो पैटर्न भी डिफाइन कर सकते हैं कि जी इस पैटर्न से मैच कर जाना है तो उसको उड़ा दो, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको रेगुलर एक्सप्रेशन का आइडिया है कि ये क्या होता है, कोई है ऐसा यहाँ पे जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन पता हो? अच्छा, किसी को नहीं पता, तो थोड़ा मैं बता दूँ ये कि क्या होता है, चलो बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले ज़रा इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो रिप्लेस का जो है वो दो है, पहला पैटर्न है, पैटर्न में आप डायरेक्ट पूरा स्ट्रिंग दे दें तो भी ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन में भी पैटर्न दे सकते हैं, दूसरा उसकी रिप्लेसमेंट है। तो और रिटर्न क्या करता है, ये अ न्यू स्ट्रिंग विथ वन सम और ऑल मैचेस ऑफ द पैटर्न रिप्लेस्ड बाय द स्पेसिफाइड रिप्लेसमेंट, ठीक है जी। तो ये एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो रिप्लेस हुआ है उन वो उसके अंदर आपको मिल रहा होता है, ठीक है। अगेन ये चला के देखेंगे तो आपको सही से पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो थियोरेटिकल बात हो रही है, यहाँ पे जो छोटी सी एग्जांपल है उसकी बात हो रही है। अच्छा जी, अब हम ज़रा ये रेगुलर एक्सप्रेशन को ज़रा देख लेते हैं एक नज़र कि ये क्या होता है। अच्छा जी, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना, इसका ताल्लुक जावास्क्रिप्ट से नहीं है, पहली बात, ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, ये कई डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा एक्सेल वगैरह में इधर उधर भी ये इस्तेमाल होता है पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। डेटा माइनिंग में, डेटा क्लीनिंग में भी इसका बड़ा सख्त किस्म का इस्तेमाल होता है। तो मिसाल के तौर पे आपके पास कोई 40 GB का जो है जेसन डेटा आ गया, ठीक है, या 40 GB का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ गया, आप उसमें से चाहते हैं कि जी फर्स्ट नेम कॉलन करके जो आगे बात लिखी हुई है ना वो सारी मैं आइडेंटिफाई करूँ, तो इस तरह के वो पैटर्न है एक्चुअली वो, कि जी पहले फर्स्ट नेम होगा, उसके बाद कॉलन होगा, उसके बाद दो कैरेक्टर होंगे, बीच में स्पेस होगा, तो इतना पार्ट मैं उठाना चाहता हूँ। तो एक्सेल के अंदर इस तरह के फॉर्मूले वगैरह समटाइम लगाने पड़ते हैं, या जो आर लैंग्वेज होती है वो डेटा क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ होता है। अब पाइथन वाइथन से भी कर रहे हैं लोग बड़ा, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, और इसको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो भी इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, तो इसको ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैचिंग टेक्स्ट विद अ पैटर्न, इसका काम है पैटर्न के ज़रिए ये मैच करवा लेता है डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना कुछ एक दो एग्जांपल है, हम एक दो एग्जांपल देखेंगे, बाकी डिटेल में कोई पढ़ना चाहे तो रिजेक्ट्स लिखोगे और MDN लिखोगे तो यही डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इनकी एक अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन ने वेबसाइट बनाई हुई है, वहाँ पर भी देख सकते हो। अच्छा, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन ना हमेशा शुरू होगा किससे, एक फॉरवर्ड स्लैश से, और ये ख़त्म होगा एक फॉरवर्ड स्लैश पर, और ये आखिर में जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि केस इनसेंसिटिव। इसका अब ये पता नहीं कहाँ इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, नीचे चलते हैं यार। स्टार्ट किससे होगा, एंड किससे होगा, वो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ ही नहीं है इसको। नहीं लिखा हुआ, वेल मैं तुम्हें वैसे ही हल्का फुल्का बता देता हूँ। अच्छा, ये इसका लिटरल नोटेशन है, ये स्लैश से शुरू है और स्लैश पे खत्म है, और लास्ट में जो है ना एक आई लिखा हुआ है कि जी केस इनसेंसिटिव। अच्छा, ऐसे करके लिखते हैं, ये सबसे कॉमन तरीका है इसको लिखने का। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट में एक ये भी तरीका मौजूद है, ये दोनों, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये तरीका मौजूद है, ठीक है। वैसे लिखने का जो प्रॉपर तरीका है इसका वो यही है।
whatever something is regex can be duck typed. अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये नहीं जिक्र किया कि ये इसको बनाना कैसे है, ये जो है ना कहीं पे भी जिक्र नहीं किया इन्होंने। अच्छा जो लास्ट में जो आई लिखा हुआ था ना उसकी जगह पे ये चीजें हो सकती हैं। आई का मतलब है इग्नोर केस, यानी कि केस इनसेंसिटिव। इसमें जी भी हो सकता है, इसमें ग्लोबल के लिए और भी काफ़ी सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये इसका सिंटैक्स इन्होंने कहीं पे भी यार ठीक से मेंशन नहीं किया हुआ। हाँ, बिल्डिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन ये आ गया ना, नहीं मगर डायनेमिक इनपुट की बात कर रही है, बहुत आगे जा रहा है। वेल रेगुलर एक्सप्रेशन 101 मैंने लिख दिया, ज़रा गूगल पे जाके। तो यहाँ पे ना कुछ रेफरेंसेस मुझे मिल गए, बल्कि इसमें मैं लिखता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन चीट शीट। के जी वो जो स्लैश से शुरू हो रहा है और स्लैश पे ख़त्म हो रहा है, लास्ट में तो आई लिखा हुआ है, वो तो तीन चार हैं उसके केस इनसेंसिटिव वगैरह, तो दरमियान में उसको जो पैटर्न होगा वो लिखेंगे कैसे ना इन द फर्स्ट प्लेस। ये बात असल में मैं चाह रहा हूँ कि कहीं पर ऐसे पता चल जाए। ये चीट शीट तो बहुत मुश्किल है। अच्छा मोज़िला वालों का ये एक आ गया डॉक्यूमेंट, हाँ ये आ गया। मोज़िला वालों ने किसी दूसरे पेज पे किसी दूसरे आर्टिकल में ये जिक्र किया हुआ है। अच्छा देखो, अगर मुझे लिखना है ना उसके अंदर कि जी अ कैरेक्टर क्लास, ये इस तरह कैरेक्टर क्लास डिफाइन करते हैं। अच्छा क्या करते हैं कैरेक्टर क्लास में, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी इज द सेम एज ए डैश डी, ठीक है, कि ऐसे करके मैं लिखूंगा ना कि अच्छा जी ए हो बी हो सी हो या डी हो। अच्छा या मैं ऐसे करके लिखूंगा कि ए से लेके डी तक। अच्छा अगर मैं कोई पैटर्न बना रहा हूँ पासवर्ड के लिए, मिसाल का पासवर्ड के लिए बड़ा इसको यूज़ करते हैं, लेकिन पासवर्ड के लिए लोगों ने बना बना के भी रखे हैं, W3 स्कूल में पासवर्ड के लिए वो बना हुआ पैटर्न है। तो मैं पासवर्ड को मैच करना चाह रहा हूँ कि अच्छा जी पासवर्ड के अंदर क्या होना चाहिए, ए से लेके जेड तक स्मॉल और ए से लेके जेड तक कैपिटल, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, ए से लेके जेड तक डैश लगा के ऐसे, और दूसरा एक ए से लेके जेड तक कैपिटल वाला, ऐसे करके लिखूंगा मैं। अच्छा उसके अलावा ऐसे कैप साइन करके जब लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, अनाइगेटेड कैरेक्टर क्लास, के मैंने एनी थिंग मैच इन दैट नॉट इनक्लोज इन द ब्रैकेट दिस दिस दिस, ठीक है। इसका मतलब है कि नॉट, उसका मतलब था कि ये इंक्लूड होना चाहिए कैरेक्टर, इसका मतलब है कि भाई ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, यानी एक्स वाई और जेड ये तीन कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, या ए से लेके सी तक ए बी और सी ये कैरेक्टर नहीं होने चाहिए इसके अंदर। ये ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा है कि अच्छा दरमियान में बात लिखी हुई होगी वो होगी क्या, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होगा, हैज़ वन और फॉलोइंग मीनिंग, इसके दो तीन मीनिंग हो सकते हैं। मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सपेक्ट द लाइन टर्मिनेटर, ठीक है। इनसाइड अ कैरेक्टर क्लास द डॉट लूजेज इज स्पेशल मीनिंग, अगर कैरेक्टर क्लास के अंदर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो ए से लेके जेड तक था जो, उसके बीच में अगर कहीं पे मैं डॉट लिख देता हूँ तो उसका मीनिंग यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते अभी। अच्छा बैक स्लैश डी का मतलब क्या है, मैचेज एनी डिजिट, ठीक है, कोई भी डिजिट हो सकता है इसमें, यानी मुझे इनपुट में जो चाहिए वो डिजिट चाहिए, या जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ है ना कि भाई डिजिट होना चाहिए वो। मिसाल के तौर पर जैसे रिप्लेस के अंदर अगर मैंने ये लिखा है ना बैक स्लैश डी, तो इसका मतलब है कि कहीं पर भी कोई डिजिट आ जाए, चाहे वो वन हो चाहे वो जीरो हो चाहे वो फाइव हो, उसको रिप्लेस मार के मंकी लगा दो उसकी जगह, तो वो मंकी आ जाएगा, जहाँ जहाँ नंबर होगा वो सब उड़ जाएगा, मंकी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मैं वैसे नहीं लिख सकता, ये पैटर्न वाला जो काम है ना कि जी कहीं पे भी कोई भी नंबर हो
उसको उड़ा दो और उसकी जगह मंकी लगा दो, ये मैं लिटरल स्ट्रिंग दे के तो नहीं करवा सकता, उसके लिए मुझे 6 दफ़ा चलाना पड़ेगा, सॉरी 9 दफ़ा चलाना पड़ेगा। मैं पहले कहूँगा कि 0 जा जाए उसको रिप्लेस मारो, फिर 1 जा जाए उसको रिप्लेस मारो, लेकिन अब होगा क्या, कहीं पे अगर 82 लिखा हुआ है तो 82 की जगह 2 मंकी आ जाएगा, एक 8 के लिए और एक 2 के लिए। ये 82 को सिंगल समझता है, ठीक है, अच्छा दोनों दो भी समझ सकता है। ये कैरेक्टर के साथ मैं ये भी लगा सकता हूँ कि एक कैरेक्टर हो या कितने भी हो, वो भी हर तरह का पैटर्न जो जो आप सोच सकते हैं ना वो इसमें हो सकता है, ठीक है। अब एक कैपिटल डी जो है, मैचेज एनी कैरेक्टर दैट इज नॉट अ सिंगल डिजिट, सॉरी दैट इज नॉट अ डिजिट, ठीक है। अब ये पूरी लंबी एक स्टोरी है इसकी, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो एक मैंने सबसे पहले जो खोला था ना डॉक्यूमेंट, जो ये 101 वाला, इसके नीचे यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ आया था, यहाँ पे जो ये बात लिखी हुई आ रही थी ना, ये काफ़ी अच्छे से आ रही थी, सिंगल कैरेक्टर ए बी सी कोई भी बात लिखो यहाँ पे, ये यहाँ पे लिस्ट पूरी बनी हुई आ रही है, ये एक्चुअली जनरेटर है। इसके लिए आप देख रहे हैं ये, क्योंकि ये है मुश्किल चीज़, तो लोगों ने यहाँ पे जनरेटर पूरे पूरे बनाए हुए हैं इसमें, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो शायद ये मुझे बना के दे दे, नहीं ये बनाने वाला आइटम नहीं है, पता नहीं क्या है ये, खैर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन भाई मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आते। अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो बिल्डर विल्डर कोई ना कोई ढूंढ लेता हूँ, उससे बना लेता हूँ मैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा R E G E X फॉर पासवर्ड, ठीक है, देखना भी ये कितने सारे बने हुए मिल जाएंगे मुझे। स्टैक ओवरफ्लो पे गया, यहाँ पे एक और रेगुलर एक्सप्रेशन का एक नीचे प्लेटफॉर्म है कभी पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये बंदे ने देखो इतना बड़ा सारा ये बनाया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन, कुछ पता चल रहा है क्या ये, ठीक है, मुझे भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अब किसी ने उसको सही भी किया है, उसमें गलती थी कोई, उसको सही करके भी दिया है, ठीक है, तो मतलब सही है भाई, ठीक है, ये सब लगे हुए। अच्छा वैसे ये जितना मुश्किल दिख रहा है इतना मुश्किल ये है नहीं, ठीक है। ये देखो rejectsxr.com करके ना, ये एक वेबसाइट है जो आपको बताती है कि देखो हाथ रखूँगा ना, देखो बता रहा है जिस चीज़ पे, देखो backslash d का मतलब देखो डिजिट आ रहा है इसमें, अगर करीब करूँ ना मैं इसको, देखो backslash d का मतलब है डिजिट, और स्टेरिक का मतलब क्या है, क्वान्टिफायर मैच 0 or more प्रोसीडिंग टोकन, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है कि मैचेज एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट द लाइन ब्रेक, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन मार्क मैचेज अ ग्रुप एंड मेन एक्सप्रेशन विदाउट द इंक्लूडिंग, कि शुरू में यहाँ पे कुछ भी हो, शुरू में कुछ भी हो, उसके बाद इक्वल जो इसने ये लगाया है, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क और इक्वल एक ही है, उसके बाद डॉट के बीच में कोई लाइन ब्रेक ना हो, कोई भी बात लिखी हुई हो बीच में लाइन ब्रेक ना हो, फिर उसके बाद क्या हो, स्टेरिक मैच 0 or more द प्रोसीडिंग टोकन, कि एक या एक से ज़्यादा डिजिट हो उसको ये मैच करेगा, समझ रहे हो। तो ये पूरा एक ऐसे पैटर्न बनाया हुआ है, फिर उसके बाद कुछ भी हो, फिर उसके बाद क्या हो, लाइन ब्रेक ना हो, उसके बाद एक या एक से ज़्यादा टोकन हो ए से लेके जेड तक हो, ठीक है, फिर ए से लेके जेड तक कैपिटल हो, ठीक है, फिर 8 हो, टोटल कैरेक्टर 8 हो, प्रोसीडिंग टोकन 8 हो, उससे ज़्यादा ना हो, और ये डॉलर लगा के ख़त्म किया इसने, एंड किया यहाँ पे, क्या लिखा है इसने, मैचेस द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड ऑफ लाइन मल्टीपल लाइन फ्लैग और दिस, ठीक है। अब ये डॉट लगाने का मतलब क्या है कि ये पासवर्ड के लिए क्योंकि बनाया है, तो इस पूरे में कहीं लाइन ब्रेक नहीं हो सकता, लाइन चेंज नहीं हो सकती, बैक स्लैश एन नहीं आ सकता इसके अंदर, क्योंकि पासवर्ड 1 लाइन में होता है। तो खैर, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, वो एक ड्रैग ड्रॉप वाला भी था एक ना, वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि वो क्या नाम था उसका। अच्छा पूरे को नीचे देखो ब्रेक डाउन किया हुआ है इसने, अगर यहाँ पे नीचे आप देखो ना एक्सप्लेनेशन है कि जी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, वो हाथ रखने से भी बता रहे हैं और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको अच्छा खासा हेल्प आउट कर देते हैं, और जब आप इसके साथ काम करेंगे, अभी कभी आपके साथ इत्तफाक हुआ कि जी इसके साथ आपको काम करना पड़ गया 1-1.5 महीने, तो ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो पासवर्ड इनपुट होता है ना उसके अंदर ये पैटर्न करके ये दे सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, HTML5 की वैलिडेशन उसको समझ आती है, ठीक है। तो जी मैंने आपको ये 1-2 प्लेटफॉर्म ज़रा दिखा दिए कि क्या यहाँ पे मामलात चल रहे हैं,
और यहाँ पे आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे, अगर कोई मैंने एरर लिख दिया यहाँ पे जिसका कोई मतलब नहीं है, एरर वैसे एरर अब पता नहीं इसमें कैसे आएगा, कोई मैंने इसके अंदर लगा दिया हिस्टेरिक हिस्टेरिक, तो ये एरर भी बताता है कि जी आपने ना गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये पूरा एक समझ लें टेक्स्ट एडिटर है और इसका नाम है रेजिक्स आर, ये .com नाम है इसका। इसको मैंने कर दिया बंद और वापस हम आ जाते हैं अपने इधर। तो जी हमारे पास जो क्या था टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, अब टेक्स्ट डॉट रिप्लेस में ना इन्होंने देखिए क्या किया है, बैक स्लैश से शुरू किया और बीच में स्ट्रिंग लिख दिया सीधा सीधा, कोई टेंशन नहीं, कोई ब्रैकेट ब्रैकेट वाला कोई काम नहीं, स्ट्रिंग लिखूंगा तो वो एज इट इज उसको मैच करता है। और लास्ट में इसने लिखा है जी, जी का मतलब है ग्लोबल, ठीक है, कि जी पूरे दिए गए टेक्स्ट में कहीं भी मैच हो जाएगी, ठीक है, तो ग्लोबल है। और साथ में मैं आई लगा दूंगा तो केस इनसेंसिटिव हो जाएगा, अभी ये केस सेंसिटिव है, अभी ये कैपिटल डब्ल्यू से वर्ल्ड वार ढूंढेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे स्ट्रिंग के मेथड जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो गए, लेकिन कंप्लीट ये नहीं हुए क्योंकि बुक में सारे मेथड डिस्कवर डिस्कस उसने नहीं किए, ठीक है। वापस आ जाते हैं हम इस एमडीएन के डॉक्यूमेंट पे, तो ये जितने भी यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे क्या है, स्ट्रिंग के मेथड्स हैं ये, डॉट बिग, डॉट ब्लिंक, डॉट बोल्ड, ठीक है, डॉट चार कोड एट, पेन पॉइंट, कॉनकैट, फिक्स्ड, ये सारे स्ट्रिंग के मेथड हैं, ठीक है। अगर आपसे हो सके तो इन तमाम मेथड्स को आपने एक एक नज़र देख लेना, उससे अब होगा क्या कि आपको कभी कोई टास्क जब मिलेगा, कोई ऐसा सर्टेन प्रॉब्लम आपके पास जब आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम उस सेंस में नहीं कि कोई मुसीबत आएगी, जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आपको टास्क मिलता है उसको प्रॉब्लम कहते हैं, कि जी ये गिवन प्रॉब्लम है और इसका जो वो क्लास के बाद यहाँ पे आएंगे या इनको भेज दूँ नीचे, आप खुद ही बोलो। अच्छा मैं खुद ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ना एक दफ़ा ज़रा एक नज़र मार लेना ऊपर से नीचे तक, अभी इतने सारे हैं ना, दो घंटे की क्लास में पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको डिस्कस करूँ, लेकिन मैंने आपको ये पढ़ना सिखा दिया है कि जी यहाँ पे एक नाम लिख रिप्लेस में ये पूरी बात लिखी हुई है कि करता क्या है, उसके बाद एक सिंटैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा एग्जाम्पल बना के दिया हुआ है, उसके बाद इसने सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी पैटर्न दो पैरामीटर होंगे, अब ये पैटर्न क्या है, पहला पैरामीटर ये, दूसरा पैरामीटर क्या है, फिर इसके रिटर्न वैल्यू क्या होगी, तो यही है ना यार, अब और बचा क्या है इसमें, तो ये मैंने पढ़ना आपको सिखा दिया। तो ये तमाम स्ट्रिंग के मेथड आपने क्या करना है, एक एक दफ़ा ज़रा नज़र मार लेना है उस पर, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके पास जब आएगी तो आपको पता हो कि अच्छा ये टूल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। ये पता होना कि मेरे पास ये टूल अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है ना उसको कोड याद नहीं रखना होता उसको, लेकिन पता होना चाहिए कि ये कोड अवेलेबल है, ये टेक्स्ट ये मेथड अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर आपको पता चल गया कि अच्छा फाइंड एंड रिप्लेस का एक मेथड होता है, ये पता चल गया आपको, ज़रूरी नहीं है कि वो कोड आप याद कर लें या वो सिंटैक्स आप रट लें, वो तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये डॉक्यूमेंट यही है, ये तो कहीं नहीं जा रहा, और बल्कि अब तो चैट जीपीटी है, वो आपको बताएगा, वो कोड लिख के देगा पूरा आपको। लेकिन इमेजिन करें कि किसी बंदे को पता ही नहीं है कि फाइंड एंड रिप्लेस का मेथड भी होता है, तो चैट जीपीटी से वो क्या पूछेगा वो, है ना। चलो फाइंड एंड रिप्लेस तो क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बड़े कसरत से आता है तो शायद उसका जहन चला जाए उधर, अगर इंटेलिजेंट होगा तो। लेकिन कोई और मेथड मैं यहाँ से देखता हूँ, जैसे स्प्लिट है, अब स्प्लिट एक मेथड है, अब ये क्या करता है, अगर उस बंदे को नहीं पता कि स्प्लिट नाम का भी कोई मेथड होता है तो वो क्या पूछेगा चैट जीपीटी से, उसको तो पता ही नहीं होगा। या अगर वो चैट जीपीटी से बोल भी देगा कि जनरल लिख दिया और वो कोड लिख के दे दिया उसने, उसको समझ ही नहीं आएगा वो, तो नहीं जो कोड सामने से लिख के दिया है अगर वो समझ में नहीं आ रहा आपको, तो इसका मतलब है आप लकीर के फ़कीर हो जाएंगे। जो उसने लिख के दे दिया आप एज इट इज़ उसको चलाएंगे, ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो कोड चलना बंद हो जाएगा और आपको इतने आप काबिल नहीं होंगे कि आप आइडेंटिफाई कर लें ये क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। समटाइम वो बोंगियाँ भी मारता है सामने से तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ हाँ ऐसा ही है बिल्कुल, जो क्योंकि भाई इंटरनेट पर भी बहुत सारे लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन तो की हुई है ना यार, बिल्कुल की हुई है, इंटरनेट पर कॉन्स्पेरेसीज फैलाई हुई इतनी सारी, कोड उल्टे सीधे स्टैक ओवरफ्लो पे उल्टे सीधे सॉल्यूशन भी दिए हैं जो काम नहीं करते, जो लोगों ने डाउनवर्ड तो किया हुआ है उसको, लेकिन वो कभी नहीं भी होता कभी। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका एक ही बंदे ने जवाब दिया और वो क्या कहते हैं मेरे पास नहीं चल रहा,
और वो किसी और ने उसको ना डाउनवोट किया ना कुछ किया, वो पढ़ा उधर। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन भी तो है ना, तो वो उसकी ट्रेनिंग डेटा में शामिल है, तो वो कोड हमेशा सही नहीं लिखेगा, ये आप भूल जाएं, वो बोंगियाँ मारेगा, क्योंकि इंटरनेट पे जो है वही उसको पता है, जो इंटरनेट पे नहीं है वो उसको नहीं पता, तो आप तो आपको पता ही चलेगा। तो अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि नंबर के कौन कौन से मेथड्स हैं। अच्छा जी, मेथड के अलावा ना एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़, ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, मेथड क्या होता है और प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों को डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि स्ट्रिंग के ऊपर जब डॉट लेंथ लगाते हैं आप, तो आपको वो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं वो बता देता है सामने से, ठीक है। अच्छा, तो वो डॉट लेंथ जो है ना वो प्रॉपर्टी है, वो मेथड नहीं है। अच्छा, वो देखने में तो बिल्कुल सेम है, बस वो फ़र्क उसमें ये होता है कि जब आप डॉट लेंथ लगाते हैं ना, उसके आगे आप कॉल सिग्नेचर नहीं लगाते, जो गोल पैरेंथेसिस ओपन और गोल तो पैरेंथेसिस क्लोज जो है ना वो नहीं लगाते आप उसके आगे, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। जिसमें वो गोल कॉल सिग्नेचर लगाते हैं वो मेथड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उसमें फ़र्क ये है कि वो प्रॉपर्टी क्या होता है, एक चीज़ उठा के ला के आपको दे देता है, मेथड क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो मोर और लेस वो एक ही चीज़ है, लेकिन उसका नाम अलग है क्योंकि इंटरनली वो अलग तरह से फंक्शन कर रहा होता है। अच्छा, तो नंबर के अंदर ना पहले तो जरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। नंबर डॉट मैक्स वैल्यू सबसे पहली चीज। अच्छा, ये कैपिटल एन करके ना नंबर पे लग रहा है, ये नंबर वेरिएबल पे नहीं लग रहा, इसको आप गौर कीजिए। ये कैपिटल एन करके नंबर पे लग रहा है, ये एक वैल्यू देता है जो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल हो सकता है ना जावास्क्रिप्ट में, वो नंबर आपको दे देता है। तो आपने चेक करना है कि अच्छा जी, इससे छोटा है या इससे बड़ा है, इस तरह की चीज़ों में काम आता है, ठीक है। मिनिमम सेफ इंटीजर, ये अब माइनस में जो मैक्सिमम नंबर है वो आपको ये दे देता है, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी दो वैल्यूज़ मौजूद हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो कांस्टेंट है, ये फिक्स रहती है, ये नंबर जब भी आप मांगेंगे आपको ये दे देगा सीधा सीधा उठा के, इसका वेरिएबल से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जब भी ये कैपिटल एन करके नंबर पे लग रहा है, ये वेरिएबल पे नहीं लग रहा। अच्छा, अब जो है मेथड देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। किसी भी नंबर को आपने चेक करना है कि वो क्या फाइनाइट नंबर है, आप उस पर वेरिएबल पे डॉट इज फाइनाइट लिखेंगे, वो आपको सामने से ट्रू या फॉल्स दे देगा, दैट्स इट, आसान है। ये इसने लिखा हुआ है जी, नंबर डॉट इज फाइनाइट और एक उसको इंटर नंबर दिया हुआ है अंदर। अच्छा, इज इंटीजर, इज एन एन, आपने यूजर से इनपुट लिया, अब वो स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट मिला है आपको, आपने उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अगर तो बंदे ने ए बी सी लिखा होगा तो वो एन एन बन जाएगा, है ना। अगर उसने 79 लिखा है तो वो एन एन नहीं बनेगा, वो नंबर है प्रॉपर। तो उसको आपने चेक करना है कि जी कहीं बंदे ने ए बी सी डी तो नहीं लिख दिया। तो इज़ एन एन उसके लिए एक मेथड है, इसको चलाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है कि कोई भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर आप लगाएंगे डॉट इज़ एन एन और सॉरी, ये वेरिएबल पर डॉट लगा के नहीं हो रहा, ये कैपिटल एन से नंबर पर ही डॉट लगा के हो रहा है। कैपिटल एन से डॉट लगाया, कैपिटल एन से नंबर पर डॉट लगा के इज़ एन एन और बीच में उसके वैल्यू पास किए, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास। पार्स इंट हम कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, नंबर डॉट पार्स इंट, ठीक है जी। टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू पे डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करूँगा तो वो स्ट्रिंग फॉर्म उसका कन्वर्ट करके मुझे दे देगा, जैसे कि नंबर 275 कैलकुलेट किया मैंने नंबर, बट मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है किसी भी वजह से, मे बी उसको किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच करना है, ठीक है, या मे बी मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसका सेकंड कैरेक्टर उठा के कुछ उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर मुझे 759 एक नंबर है मेरे पास, अब मुझे देखना है कि इसके 759 में जो बीच वाला कैरेक्टर है ये इवन है या ऑड है, अगर मुझे ये पता लगाना है, ठीक है, या उसको मैंने रिप्लेस करना है किसी दूसरे नंबर के साथ सेकंड कैरेक्टर को, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसको मे बी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके बीच वाला कैरेक्टर उठाऊँगा, उसको एनालाइज करूँगा, उसको चेंज करूँगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं ये, तो स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये नंबर के सारे मेथड्स हो गए हमारे पास। अब हम आ जाते हैं
अच्छा राउंडिंग नंबर करके भी एक मैथ के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, मैथ के भी कुछ मेथड्स हैं जिसमें मैथ डॉट राउंड करके एक चीज़ शामिल है। इसका काम क्या होता है कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को राउंड ऑफ करता है ये, ठीक है। राउंड ऑफ हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था शायद कि जी एक नंबर है मेरे पास 79.5, तो उसको मैं राउंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये अगले इंटीजर पर चला जाएगा, ठीक है। 79.5 है तो वो 80 हो जाएगा, अगर 79.4 होता तो 79 हो जाता, तो वो नियरेस्ट इंटीजर के ऊपर मूव कर जाता है, ठीक है। राउंड का काम ये होता है। अच्छा मैथ का एक और मेथड है, एक तो नंबर पे डॉट लगा के मेथड हो रहा था, ये मैथ के मेथड है सारे। मैथ डॉट रैंडम करके भी एक मेथड है मेरे पास। सम टाइम ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है आपको जावास्क्रिप्ट में कि आप रैंडम नंबर जनरेट करें, कब जरूरत पड़ेगी ऐसी? बोर्ड क्या बोर्ड, हाँ ओटीपी मुझे अगर जनरेट करना है। और बताओ रैंडम नंबर की जरूरत कब पड़ेगी प्रोग्रामिंग करते हुए? हाँ वही ओटीपी बताया उन्होंने, वही बात हो गई। हाँ आईडी, अगर मुझे यूनिक आईडी जनरेट करनी है किसी बंदे की, तो वैसे तो मैं डेटाबेस मुझे करके देता है वो जनरेट, लेकिन सम टाइम मुझे खुद करनी पड़ रही है, तो मैं उसको रैंडम नंबर का इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके लिए। इसी तरीके से अगर मुझे कोई 10 लोग हैं, 10 लोगों की लिस्ट है, उसमें से रैंडमली मुझे एक बंदा चूज़ करना है कोई 10 लोगों में से, तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं एक से लेकर 10 तक का एक रैंडम नंबर जनरेट करूँगा, ठीक है। और बताओ रैंडम नंबर जनरेट करने की और कब ज़रूरत पड़ेगी? आप सब लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं और हर तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी सब लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप्स भी यूज़ करते हैं, आपको अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए। जो लूडो का जो गेम है, गेम्स में ज़्यादातर रैंडम नंबर का इस्तेमाल हो रहा होता है कि वो एक, जब आप उसको बटन को प्रेस करते हैं ना एक्चुअली, तो लूडो तो वो हिल थोड़ी रहा है, वो तो बटन प्रेस करते हैं आप, तो बटन के क्लिक पे उसने क्या किया हुआ है, एक से लेके 6 तक का कोई रैंडम नंबर जनरेट किया हुआ, और वो एनिमेट करके वो उस नंबर पे आकर रुक जाता है, ठीक है। तो गेम्स में बड़ा इसका इस्तेमाल होता है। और बताओ भाई, सोचो सोचो सोचो, रैंडम नंबर की मुझे कब जरूरत पड़ेगी? तुम टू फैक्टर की बात कर रहे हो ना, वही ओटीपी है काइंड ऑफ, फौजी समझा नहीं मैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में भी कुछ होता है, कुछ सर्विस कोड होते हैं उनके। वेल नहीं, ये सॉफ्टवेयर की कोई एग्जांपल बताओ ना। हाँ गैम्बलिंग, वही जैसे लॉटरी या गैम्बलिंग, 10 लोगों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है जब वो रैंडम नंबर हो। बाय द वे वो गैम्बलिंग साइट में रैंडम नहीं होता है, वो उनके पता नहीं अलग ही व्यंजन होता है। हाँ इस तरह की जो ऐप्स होती हैं जो फेसबुक पे आ रही होती हैं, तो वो भी रैंडमली कर रहा होता है, क्योंकि सेकंड टाइम करते हैं तो कुछ और आता है। हाँ भाई और बताओ, स्लॉट मशीन कहते हैं। अच्छा तो ये भाई पता सब है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग डेली इंटरनेट की यूज़र हैं, ये जस्ट रियलाइजेशन की बात है, ये जो मैंने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये आप सब लोगों को पता है कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा तो रैंडम नंबर आप समझ लो, जावास्क्रिप्ट में जो रैंडम नंबर है ना वो काम कैसे करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप
बोलते हैं ना मैथ डॉट रैंडम, तो ये क्या करता है जीरो से लेके वन के दरमियान का कोई एक नंबर जनरेट कर देता है, ठीक है। अच्छा क्यों जीरो से वन तक का क्यों करता है, ये होता है आपका सीड, इसको हम सीड कहते हैं, ये सीड आपको दे देता है कि जीरो से वन तक का एक नंबर है। अच्छा मिसाल के तौर पे मैंने क्या करना है, मैंने जीरो से लेके हंड्रेड तक का कोई नंबर जनरेट करवाना था अगर, तो मैं उस सीड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ हंड्रेड से, ठीक है। अच्छा जो रैंडम नंबर के अंदर मिनिमम जो नंबर जनरेट होगा ना वो देखो ये होगा जीरो कॉमा जीरो 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 जीरो, मतलब जीरो पॉइंट जीरो जीरो, यानी पूरा ही जीरो कंप्लीट, और मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है ना वो जीरो पॉइंट नाइन 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 है, सही है। ये इसके दरमियान का कोई एक नंबर होगा और पंद्रह डिजिट का जो उसके आगे डेसिमल पॉइंट है ना वो भी होगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए था जीरो से लेके हंड्रेड तक का। अच्छा तो मुझे जो भी रैंडम नंबर मिलेगा जावास्क्रिप्ट की तरफ से उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इमेजिन करो कि मुझे मिला था ये मैक्सिमम ये वाला 0.99, तो 0.99 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 99.99 आएगा, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 100 आ जाएगा लेकिन 100 नहीं आएगा पूरा, ठीक है। उसको फिर मैं राउंड कर दूंगा तो 99.99 को जब मैं राउंड करूंगा तो 100 बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक साइड की मुझे पक्की हो गई कहानी की, अच्छा जी अगर मैं जो भी सीड मुझे ये देगा उसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 तक का ही कोई नंबर आएगा। अच्छा उसके बाद नीचे आओ थोड़ा थोड़ा कि भाई 0.99 है, शायद 0.8 दे, 0.7 दे, 0.6 दे, 0.5 दे, तो ये पूरे में होता आएगा। मिनिमम जो है वो पूरा जीरो देगा, ये मिनिमम जो है वो पूरा जीरो देगा, पूरा जीरो अगर है और उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मिनिमम नंबर जीरो जनरेट होगा, मैक्सिमम 100 जनरेट होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी ये कहानी है कि जी जहाँ तक का नंबर जनरेट करना है वहाँ तक आप उस नंबर से उसको आप मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा अब कौन मुझे बताएगा कि अगर मुझे 20 से लेके 100 तक का नंबर जनरेट करना है, जीरो से लेके 100 तक, जीरो से लेके 100 तो आसान था मल्टीप्लाई कर दिया हो गया, अब मुझे 20 से लेके 100 तक का करना है जिसमें 20 भी इंक्लूसिव है और 100 भी इंक्लूसिव है, यानी 20 भी आएगा, 21 से नहीं शुरू होगा वो, 20 भी आएगा, तो 20 आना चाहिए और 100 भी उसमें आना चाहिए, ऐसा रैंडम नंबर जनरेट करना है। सीड मुझे मिलता है 0 से लेके 1 तक का, यानी 0 से लेके 999 तक का, अब कैसे करके मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 20 से लेके 100 के दरमियान का नंबर देगा मुझे, अप्रोच की बात है जस्ट। मुझे सीड मिला उसको क्या करूं, 19 से मल्टीप्लाई कर दूं, 19 को इंक्लूड करेंगे रिसेंट नंबर, जो 20 को ऑफिस उसको एग्जिस्ट करेगा प्लेन नंबर, डायरेक्ट 20 को करेंगे तो 20 को ही करेगा, 19 की करेंगे 20 को भी करेगा कंप्लीट, इसके बाद होगी 0.9.8। नहीं सीड को मैंने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैक्सिमम तो 19 आएगा ना, मैक्सिमम तो 100 चाहिए मुझे। हाँ ये भी अच्छा है, अच्छी एक बात की इन्होंने कि मैं जनरेट करवाऊँ और 0 से 100 वाला ही फार्मूला लगाऊँ उस पर, और फिर मैं उसके नीचे लगा दूँ एक इफ़ कि अच्छा जी इफ़ अगर ये 20 से छोटा जनरेट हो गया अगर तो उसको डिस्कार्ड करके दोबारा जनरेट कर ले, ठीक है, ये हो तो जाएगा, इससे मसला तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, जो गिवन प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगी, बट ये अच्छी अप्रोच नहीं होगी। अच्छी अप्रोच इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं एक नंबर को जनरेट करने के लिए एडिशनल कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी बात नहीं, क्योंकि एक लाइन का तो चलो कोड ठीक है लेकिन एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर फिर ये काफ़ी, ये आपको पता है एक एक्स्ट्रा जो सीपीयू साइकिल घुमाते हैं ना, एक एक्स्ट्रा सीपीयू साइकिल वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो नेचर को अदा करनी पड़ती है, क्योंकि वो एनर्जी एक्स्ट्रा एक लगती है, एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी है हमारा जो वो बनती है फ्यूल व्यूल से किसी से या सोलर से बनती है, और फिर उस फ्यूल के लिए जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं वो पूरा आखिर तक इम्पैक्ट जाता है। तो ये जब डेटा स्ट्रक्चर में ये टॉपिक बताना चाहिए बच्चों को, बताते नहीं हैं कि भाई एक एक्स्ट्रा साइकिल जो है ना कहाँ तक उसका इम्पैक्ट जाता है, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं होगी अगर मैं ये करूँगा। हाँ भाई सोचो भाई कैसे करके किया जाए इसको,
200 से आ जाओ भाई, पूछा जाए इससे, ठीक है। राइट मी अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू जनरेट रैंडम, एक आंसर टाइप करना पड़ रहा है मुझे, फ्रॉम मिन टू मैक्स बोथ इंक्लूसिव। INCLUIV, पता नहीं स्पेलिंग आगे पीछे लिखी है मैंने। इस तरह से करके करना पड़ेगा। अरे क्या क्या लिखता जा रहा है भाई, बस ठीक है। ये एक फंक्शन इसने लिखा है एक्चुअली, तो इसको एक नंबर मैंने दिया है मिन, एक नंबर मैंने इसको दिया है मैक्स, ठीक है। और इसने क्या किया है कि मैथ डॉट रैंडम को इसने मल्टीप्लाई किया है, किससे किया है मल्टीप्लाई, मैक्स माइनस मिन प्लस वन से मल्टीप्लाई किया है और प्लस किया उसमें आखिर में मिन। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जो जावास्क्रिप्ट में की जाती है हम आमतौर पर, ठीक है। तो ये मिन से लेके मैक्स तक का नंबर जनरेट, हम इसको जस्ट मिन देंगे और मैक्स देंगे और ये दोनों को इंक्लूड करके मुझे रैंडम नंबर ला के दे देगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड किस्म का फंक्शन है, ये जगह जगह इंटरनेट पे आप सवालात आपको पूछा हुआ नज़र आ जाएगा और जगह जगह आपको डॉक्यूमेंट्स में भी ना, जहाँ पे इस वाली बुक में ये जिक्र नहीं है लेकिन कुछ दूसरी बुक्स मैंने देखी हैं जहाँ पे वो रैंडम नंबर का जिक्र करता है ना, तो यहाँ पे एक फंक्शन इस तरह बना के भी दे देता है कि जी यही होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होगा कि आपको मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, अब इसमें मैं मिसाल के तौर पे मिनिमम पे लिखता हूँ -60 और मैक्सिमम पे लिखता हूँ मैं 50, पॉजिटिव 50, तो -50 से पॉजिटिव 50 के दरमियान का एक नंबर ला दे, दैट्स इट, सही है। तो सीड मुझे देता है जावास्क्रिप्ट मैथ डॉट रैंडम करके, उस सीड को मैं इस्तेमाल करके कहीं से लेके भी कहीं तक का भी नंबर जनरेट कर सकता हूँ और ये उसके लिए एक फंक्शन है, एक क्लासिक फंक्शन जो इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर डेसिमल ये हम देख चुके हैं, स्ट्रिंग टू नंबर टू स्ट्रिंग ये हम देख चुके हैं, कंट्रोलिंग द लेंथ ये टू फिक्स्ड करके एक है जो नंबर के ऊपर लगाते हैं और उससे डेसिमल पॉइंट को कम कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट में आंसर आ सकता है 3 या 4 डेसिमल पॉइंट के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं हमेशा 2 ही डेसिमल पॉइंट आए तो मैं 2 फिक्स कर दूंगा। तो इवन दो के अगर वो डेसिमल पॉइंट नहीं भी होगा तो वो 2 डेसिमल पॉइंट 00 उसमें दिखाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये इसकी क्लासिक एग्जांपल है कि भाई पैसों में हमेशा .00 लास्ट में मुझे दिखाना होता है, या टैक्स में मुझे 1 डेसिमल पॉइंट दिखाना होता है, ठीक है, या कुछ वैल्यू में मुझे 2 डेसिमल या 4 डेसिमल पॉइंट दिखाने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ये टू फिक्स का इन्होंने मेथड बना के दिया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारे जो है ना ये जो नंबर के मेथड्स थे वो पूरे हो गए। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ रह गई है वो रह गया है एरे के मेथड्स, ठीक है। तो एरे के मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम होपफुली ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये बताने का मकसद ये है कि आप ऑब्जेक्ट को पहले से पढ़ लें, ठीक है। वैसे तो एरे का मेथड आप सब लोग एक्सप्लोर कर लें ताकि हमें एरे के मेथड को यार डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। डिस्कस ना करने की ज़रूरत ना पड़े से मेरा मतलब ये है कि आप जब नेक्स्ट क्लास में आए ना तो आप सब लोगों ने एरे के जो मेथड है उसको अच्छे से स्टडी किया हो, अगर उसमें कोई क्वेश्चंस है आपके तो वो आप लिख कर लेंगे और आप मुझसे वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेंगे तो हम वो टू वे डिस्कशन होगी हमारी पर। मैं ऐसे बच्चों की तरह एक एक मेथड खोल के बता रहा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये आइडियल ये केस होना चाहिए और फिर हम एरे के मेथड वन वे और अनदर कि वन वे और टू वे की करके हम कवर करेंगे। उसके बाद हम एरे के मेथड कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट एक टॉपिक है, एक नया डेटा टाइप है, नंबर स्ट्रिंग बूलियन और एरे, इसके बाद एक नया डेटा टाइप है जो हम ऑब्जेक्ट कवर करेंगे, ठीक है जी।